ये बेसिकली लाइफ डिटेक्टर है जो कि हम लोगों ने तुर्की में भी यूज़ किया है। बेसिकली ये स्टिक अंदर जाएगी बल्ब के अंदर और फिर हम इसको वीडियो कैम के थ्रू ऑपरेट करेंगे। अगर हमने इसकी मूवमेंट करनी है कैमरे की तो ये देखें आगे स्क्रीन में आपको मूवमेंट नज़र आ रहा है। इसमें लाइट सिस्टम भी लगा हुआ है, रात के वक्त अंधेरे में अगर कोई एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, इसे रेस्क्यू करना है तो इसमें लाइट भी ऑन हो जाती है और इससे हम बॉडी या बंदे को रिकवर कर सकते। पाकिस्तान की पहली डिजास्टर रिस्पोंडर गाड़ी दिखाने जा रहा हूँ। एम्बुलेंसेज मौजूद थे, रेस्क्यू मौजूद थी, तो इस गाड़ी की जरूरत क्यों पेश आई? ये क्या चीज आप दिखा रहे हैं? ये लाइफ बॉय है, ये फ्लड में काम आता है। हमारे पास रोप्स हैं और लाइफ जैकेट्स हैं, देख सकते हैं आप। इक्विपमेंट तो सारे मौजूद हैं लेकिन जो जिन लोगों ने रेस्क्यू करना है उनकी कितनी कैपेसिटी होगी जो जाके करेंगे रेस्क्यू? ऊपर मैं ये देख रहा हूँ ये कुछ बैग्स पड़े हुए हैं, इनके अंदर क्या चीज़ें हैं? ये साइड ऑलमोस्ट जोन सी है, वो मुझे लगता है फ्लड से रिलेटेड थी सारी। गाड़ी की बैक साइड पे आ गए हैं तो भाई यहाँ पर भी मुझे कुछ सामान नज़र आ रहा है, तो ये क्या चीज़ें हैं? दूसरी हम साइड पे आ गए हैं, यहाँ पर मुझे काफ़ी ज़्यादा सामान लग रहा है, तो क्या कुछ है इसके अंदर? अस्सलाम वालेकुम जी, पब्लिक डिजिटल पे आप देख रहे हैं फैजान चौधरी को। आज तक आपने बहुत सी एम्बुलेंसेज और बहुत सी रेस्क्यू में काम करने वाली गाड़ियाँ देखी होंगी लेकिन आज मैं आपको पाकिस्तान की पहली डिजास्टर रिस्पोंडर गाड़ी दिखाने जा रहा हूँ जो कि मेरे पीछे आप देख सकते हैं खड़ी है। क्या क्या फंक्शन हैं इसके अंदर, किस तरह से काम करती है, इसकी तफसील जानेंगे। तो आइए चलते हैं। तैयब भाई मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम तैयब भाई, कैसे हैं आप? ठीक है सर। मैंने बहुत सी एम्बुलेंसेज देखी हैं, रेस्क्यू की गाड़ियाँ भी देखी हैं लेकिन ये कुछ उनसे मुख्तलिफ लग रही है, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर हैं? बेसिकली ये डिज़ास्टर से रिलेटेड कंप्लीट एसेसरीज इसमें मौजूद हैं। ये फर्स्ट काइंड ऑफ रेस्क्यू व्हीकल है जो कि जिसमें कंप्लीट डिज़ास्टर का सामान इसमें शामिल है। तैयब भाई आपको क्या लगता है कि इस गाड़ी की ज़रूरत क्यों महसूस की गई जब ऑलरेडी मार्केट में एम्बुलेंसेज मौजूद थे, रेस्क्यू मौजूद थी, तो इस गाड़ी की ज़रूरत क्यों पेश आई? इस गाड़ी की ज़रूरत इसलिए पेश आई है कि क्लाइमेट चेंज जो कि बहुत बड़ा फैक्टर है इस टाइम डिज़ास्टर में चल रहा है, तो पाकिस्तान में हम लोगों को प्रॉब्लम्स आ रही थी इसको कवर अप करने के लिए। अब हर रीजन के अपने हिसाब से डिज़ास्टर्स हैं, लाइक माउंटेनियस में, माउंटेन रीजन में अर्थक्वेक और लैंडस्लाइडिंग चल रही है, फ्लड्स के हवाले से ये सिंध और बलोचिस्तान वाला साइड और साउथ पंजाब वाला साइड फ्लड से रिलेटेड काफ़ी अफेक्टिव है। तो हमने सोचा कि एक प्रॉपर डिज़ास्टर व्हीकल बनाई जाए जो कि हर तरह के डिज़ास्टर में काम आ सके, चाहे वो फ्लड से रिलेटेड हो, अर्थक्वेक से रिलेटेड हो या फिर फायर फाइटिंग या किसी भी किस्म की नागहानी मुश्किल आए तो वो सूरत-ए-हाल बन जाती है उसके हिसाब से। अच्छा तैयब भाई, एसेसरीज की तरफ चलते हैं, यहाँ से स्टार्ट करेंगे और मुझे आप इसका एक एक इक्विपमेंट जो है वो आप थोड़ा सा निकाल के दिखाते रहें ताकि लोगों को भी पता चले कि इसको हम बाकी एम्बुलेंस से मुख्तलिफ क्यों कह रहे हैं। तो सबसे पहले ये क्या चीज़ आप दिखा रहे हैं? ये लाइफ बॉय है, ये फ्लड में काम आता है, किसी भी किस्म का अगर रेस्क्यू करना हो फ्लड में तो ये उसके लिए काम आता है। ठीक है, के अलावा क्या चीज़ मौजूद है अंदर? हमारे पास रोप्स हैं, ठीक है, और लाइफ जैकेट्स हैं प्रॉपर, देख सकते हैं आप। इनकी क्वांटिटी कितनी रखी गई है? ये भी क्वांटिटी के हिसाब से इस टाइम 5 to 6 हैं लेकिन हमारे पास सेपरेट स्टॉक मौजूद है जो कि हम किसी भी टाइम इमरजेंसी आती है तो उसमें प्रोवाइड कर सकते हैं। ये है इसका प्रॉपर तरीका पहनने का, वेयर आउट करने का। अच्छा ये आपकी ये जो गाड़ी है इसके अंदर इक्विपमेंट तो सारे मौजूद हैं लेकिन जो जिन लोगों ने रेस्क्यू करना है उनकी कितनी कैपेसिटी होगी जो जाके करेंगे रेस्क्यू? रेस्क्यू की टीम्स हमने इसकी ट्रेनिंग के लिए वो की हुई है, मुख्तसिन की हुई है जो कि अपकमिंग डेज में हमारी ट्रेनिंग सेशन भी है इसका 25th को, जिसमें हम व्हीकल की सारी प्रॉपर ट्रेनिंग भी करवा रहे हैं। जो ऑपरेटर्स हैं उनकी अलग हैं, जो रेस्क्यू स्टाफ होगा या रेस्पॉन्डर स्टाफ होगा उसकी अलग है। और ये लाइफ केयर का एक ये जो पाउच पड़ा हुआ है इसके अंदर क्या कुछ है? इसमें रोप्स हैं फॉर रेस्क्यू जो कि फ्लड में अगर हैवी वो फ्लडिंग हो तो उसमें रेस्क्यू के लिए लाइफ बॉय के थ्रू हम उसको रिकवर कर सकते हैं। ठीक है, ताकि वो पानी बहा के ना ले जाए तो हम ये हैंग आउट कर लेते हैं इसको। और ऊपर मैं ये देख रहा हूँ ये कुछ बैग्स पड़े हुए हैं, इनके अंदर क्या चीज़ें हैं? ये स्ट्रेचर पड़ा हुआ है, मेडिकल किट है इसमें। अच्छा, और इसमें प्रॉपर मेडिकल। जो भी
किसी किस्म की अगर बॉडी या पर्सन को रिवाइव करना है तो इस पे हम लेकर, मतलब जो कि खुद चल नहीं सकता या वो जख्मी हो गया तो उसको इस पे लेके जाएंगे। ये मुझे कुछ पोर्शन जो है वो अलग सा लग रहा है और छोटे छोटे इक्विपमेंट है, ये किस चीज़ के लिए यूज होंगे? बेसिकली ये सामान जो है ये रोप रेस्क्यू से रिलेटेड है, जो कि हम लोग यूज करते हैं माउंटेन्स में, जहाँ पे फ्लैश फ्लड और अर्थक्वेक का खतरा होता है। अच्छा। ठीक है, इसमें पुलिस वगैरह है, नॉट्स हैं डिफरेंट, और ये रोप इसकी एक्स्ट्रा वो रखी हुई हमने, ताकि किसी भी किस्म का माउंटेन पे हमें जरूरत पड़े तो हम उसको रिकवर कर सकें बॉडी को। और ये जो नीचे बैग नजर आ रहे हैं इसके अंदर, इसमें हार्नेस है डिफरेंट, ये हाइट्स के लिए हार्नेस है। ठीक है, ये पूरे बॉडी पे कवर होते हैं। ओके, इसके थ्रू हम फिर नेक्स्ट मूव करते हैं कि अगर किसी भी चढ़ाई पे चढ़ना है तो ये पहन के आप रस्सी के साथ बांध, हाइट पे चढ़ना उसके लिए लाजमी पहनना पड़ेगा। ठीक है, और ये जो चीज़ मुझे ये एक नज़र आ रही है, ये क्या चीज़ है? बेसिकली ये रोप रोलर है। okay. इस पे रस्सी को अगर हम रोटेट करके खींचा जा सकता है। okay. इसका मकसद ये है। तो ये साइड ऑलमोस्ट जोन सी है वो मुझे लगता है फ्लड से रिलेटेड थी सारी, फ्लड और अर्थक्वेक से रिलेटेड है ये सारी साइड, जिसमें हम आगे देखेंगे तो जनरेटर भी हमने रखा हुआ है, जस्ट इन केस ऑफ इमरजेंसी हम वहाँ पे लाइट का वो अवेलेबिलिटी नहीं है तो हम जनरेटर भी हैवी, ये है 6500 वॉट का है। अच्छा। तो ये भी यूज़ कर सकते हैं। गाड़ी की बैक साइड पे आ गए हैं तो भाई यहाँ पर भी मुझे कुछ सामान नज़र आ रहा है, तो ये क्या चीज़ें हैं? बेसिकली ये मेडिकल का सारा यूनिट बनाया हुआ है सेपरेट, जिसमें मेडिकल की सारी एक्सेसरी, मेडिकल किट, बैग सब शामिल है। इन केस ऑफ बर्न किट, इन केस ऑफ अगर किसी को वो हो जाता है जलने की सूरत में तो उसमें ये प्रॉपर सामान हम लोगों ने पैक किया हुआ है मेडिकल का। ठीक है, हम ये यूज़ कर सकते हैं और इसकी ट्रेनिंग भी करवा रहे हैं हम। आगे चलेंगे और गाड़ी की दूसरी साइड पे क्या कुछ है वो भी आपको दिखाते हैं। तो तेज भाई, ये दूसरी हम साइड पे आ गए हैं, यहाँ पर मुझे काफ़ी ज़्यादा सामान लग रहा है, तो क्या कुछ है इसके अंदर? बेसिकली ये इलेक्ट्रिकल टूल्स हैं। ठीक है, किसी भी किस्म के यानी कि कटिंग वगैरह का काम करना हो रेस्क्यू के लिए, तो ये वो सारे शामिल हैं इसमें। बेसिकली ये है हाइड्रोलिक ड्रिलर। ठीक है, ठीक है, इसका काम है ज़मीन में स्टील को कट करना, हैवी जो स्टील होती है बिल्डिंग कोलैप्स में काम आती है, तो उसको कट करके बंदे को रिकवर किया जा सकता है। इसी किसी ऐसी सूरत हाल में जहाँ पर कोई इंसान फंस जाता है किसी बिल्डिंग के अंदर या किसी मलबे के अंदर, तो ये उसमें यूज़ होगा। एग्जैक्टली, ये उस काम के लिए यूज़ होता है। और जिस तरह हमारा जो गाड़ी का जो दूसरा पहले वाला पोर्शन हमने दिखाया है वो फ्लड से रिलेटेड था, तो ये जो पोर्शन है ये भी मखसूस किसी सूरत हाल के लिए है? ये मखसूस पोर्शन बेसिकली ये है अर्थक्वेक या बिल्डिंग कोलैप्स से रिलेटेड रेस्क्यू के लिए काम आता है। और यहाँ पर ये सिर्फ मैं ड्रिलर देख रहा हूँ या ये बेसिकली चेनसॉ, इलेक्ट्रिक चेनसॉ है जो कि यूज होता है किसी भी मटेरियल को कट करने के लिए। okay. यानी कि वुडन मटेरियल को कट करने के लिए, अगर बिल्डिंग कोलैप्स हुई भी है उसमें वुडन मटेरियल है तो उसको कट करने के लिए। ठीक है, ये बेसिकली लाइफ डिटेक्टर है जो कि हम लोगों ने तुर्की में भी यूज किया। अच्छा, ये अर्थक्वेक के लिए काम आता है, अगर बिल्डिंग कोलैप्स की हो तो ये आपको ऑपरेट इस तरह यूज करते हैं हम बेसिकली कि इसमें कैमरा है, वीडियो कैम है और रिकॉर्डिंग है जो कि हम रिकॉर्ड कर लेते हैं बंदे को अंदर, अगर बंदा जिंदा है या डेड है। तो मैं ये लाइव देखना चाहूँगा कि ये ऑपरेट किस तरह से होता है और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, तो आ जाए ज़रा लाइव मुझे निकाल के दिखा दें इसको। ये है कैमरा, बेसिकली ये स्टिक अंदर जाएगी बल्बे के अंदर और फिर हम इसको वीडियो कैम के थ्रू ऑपरेट करेंगे। अगर हमने इसकी मूवमेंट करनी है कैमरे की तो ये देखें आगे स्क्रीन में आपको मूवमेंट नजर आ रही है। ओके, इसमें लाइट सिस्टम भी लगा हुआ है, रात के वक्त अंधेरे में अगर कोई एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, इसे रेस्क्यू करना है, तो इसमें लाइट भी ऑन हो जाती है और इससे हम बॉडी या बंदे को रिकवर कर सकते हैं, मतलब पता चल जाता है कि अंदर कोई बॉडी मौजूद है या कोई बंदा जिंदा है। एग्जैक्टली, ये वाला पोर्शन किस सूरत हाल के लिए बनाया गया? ये फायर फाइटिंग से रिलेटेड सामान इसमें लगा हुआ है, जिसमें अगर इन केस ऑफ एनी एमरजेंसी ड्यूरिंग फायर फाइटिंग हम ग्लास ब्रेक भी कर सकते हैं। ये हैमर है, ठीक है, ये सारा एक्स वगैरह, ये स्टील कटर है, ठीक है, इसे हम काट भी सकते हैं शीशे को, और ये इसमें सेफ्टी का सारा सामान लगा हुआ है। यहाँ पे फायर सिलेंडर्स हैं जिसको हम फायर फाइटिंग के लिए ऑपरेट करते हैं। ये जो पोर्शन है ये किस सूरत हाल के लिए है स्पेशली? बेसिकली ये पोर्शन है बिल्डिंग कोलैप्स के सिलसिले में, अगर किसी किस्म की बिल्डिंग कोलैप्स की हो ड्यूरिंग अर्थक्वेक तो हम इसको यूज करते हैं
इसमें स्मॉल जनरेटर भी हमने एज ए पार्ट रखा हुआ है, ये बेसिकली कंप्रेसर है, ये हाइड्रोलिक जैक है और ये कटर है। बेसिकली ये हैवी स्टील जो उसमें डलती है बिल्डिंग में, ये उसको काटने के काम आता है। ठीक है, और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी ये प्लग्स वगैरह भी हैं, ये सर्चिंग लाइट्स भी हैं, तो ये सारा सामान अर्थक्वेक वाले एरिया में ही यूज़ होगा। बेसिकली इसका मकसद है कि वाया जनरेटर इस सारों टूल्स को ऑपरेट करना। ये बेसिकली जनरेटर के लिए हमने बनाया हुआ है, इन केस लाइट हमें नहीं अवेलेबल तो ये सारे पार्ट्स हम इस जनरेटर के थ्रू ऑपरेट कर सकते हैं। तैयब भाई ने तो हमें गाड़ी की सारी डिटेल बता दी है, मैं शुएब साहब की तरफ चलूँगा जो कि जो लाइव सूरत हाल जो होती हैं जब आप मुख्तलिफ इलाकों में जाते हैं जहाँ पर फ्लड आया होता है या अर्थक्वेक आया होता है, तो वहाँ क्या कुछ देखने को मिलता है और किस तरह से रेस्क्यू किया जाता है, तो उनसे जानते हैं। शुएब साहब आ गए मेरे पास। सर अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया फिजान। सर आपने डिजास्टर गाड़ी तो बना ली है, लेकिन जो सूरत हाल लाइव जब आप मौके पर पहुंचते हैं वो लोग जानना चाहेंगे कि आखिर क्या कुछ आपको देखने को मिलता है। देहात है, कोई छोटा एरिया है, वहाँ कुएं में कोई बच्चा अगर गिर गया है, कोई बड़ा गिर गया है, उसको निकालने के लिए एक रस्सा तक उस वक्त मुयसर नहीं होता। तो हम लोगों ने ना सिर्फ ये कि इस गाड़ी को डिज़ाइन किया है, बल्कि हम लोग जो हमारे तजुर्बात थे इस अरसे में डिज़ास्टर मैनेजमेंट के हवाले से, और हम लोगों ने को अंदाज़ा हुआ कि कोई 25 जगह ऐसी हैं जहां रिस्पांस सेंटर्स जो है वो नागुजीर हैं, कि वो 25 एरियाज पाकिस्तान भर से, लाइक आप गिलगित बल्तिस्तान से शुरू होकर कराची तक जाते हैं, तो आपको ये अंदाज़ा होता है कि 25 मकामात कोई ऐसे रिस्पांस सेंटर्स जो हैं वो अशद ज़रूरत है। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह अलखिदमत ने एक तो पहले मरहले में 13 रिस्पांस सेंटर्स बना लिए हैं। आखिर में मेरे साथ नायब सदर मोहम्मद अब्दुल शकूर साहब मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि आखिर इस जदीद गाड़ी के पीछे आइडिया किसका था। अस्सलाम वालेकुम। इस्लाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस वक्त एक ऐसी गाड़ी के पास मौजूद हूँ जो बहुत ही मल्टीपल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल होती है। जब भी कोई डिज़ास्टर आए, वो आग की सूरत में आए, उसको पानी की सूरत में हमें सामना करना पड़े, जलजला हो तो बिल्डिंग कोलैप्स करती है तो उसको कट करने की सूरत निकालते हैं, और इस तरह की जितनी अहम चीज़ें हैं उसके लिए ये बहुत ही मुफीद गाड़ी है, जिसको पहली दफ़ा पाकिस्तान में अलखिदमत फाउंडेशन ने इंट्रोड्यूस किया है। हम पाकिस्तान के अंदर एक बिल्कुल नया ट्रेंड सेट कर रहे हैं अलखिदमत के रजाकारों के ज़रिए से, कि पाकिस्तान में आने वाली किसी आफत का भी मुकाबला करना हो तो हमारे वॉलंटियर्स ऐसी गाड़ियों के साथ मैदान में उतर जाएंगे। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। तो जी नाज़रीन, ये थी पाकिस्तान की पहली डिज़ास्टर रिस्पोंडर गाड़ी जो कि मैंने आपको दिखाई है, और उसके अंदर हर वो चीज़ मौजूद है जो किसी भी सूरत हाल में फ़ायदा मंद हो सकती है। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।